प्रोग्राम नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है जी। अज ऑनलाइन दे इस एपीसोड दे विच साडे नाल एक बहुत रोचक शख्सियत राम भजन कुमार जी जुड़े है। राजस्थान दा इहनां दा जन्म है, दिल्ली पुलिस दे विच कॉन्सटेबल दी इन्हां ने नौकरी दी शुरुआत की, पर इन्हां ने दिल च रखिया कि मैं यूपीएससी पास करनी है। 8वीं वार इन्हां ने जाके यूपीएससी दा जिहड़ा टेस्ट है उह पास कीता, पिछा नहीं छड्डिया। जिवें उह हुंदा ना किसे चीज़ नाल इश्क हो जांदा है, इन्होंने इश्क की तरह अपनी जिहड़ी है जर्नी नूं निभाया, ते ऐसा इश्क अज ही यूपीएससी दे टेस्ट पास करके अफसर बने ने, एक कॉन्स्टेबल तो देखो पिछा नहीं छड्डिया। सब तो पहला राम भजन कुमार जी दा करदे स्वागत। स्वागत है जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल आप नू और सभी दर्शकों नू। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, बात तो थोड़ी हिंदी में करनी पड़ेगी। अपनी थोड़ी अपनी जन्मभूमि है, एजुकेशन, शुरुआत, उसकी बात करेंगे पहले। जी, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूँ राजस्थान में। दौसा जी जिला है मेरा और उसमें गांव है बापी गांव, बापी नाम से जी जाना जाता है। तो वहां जी मेरी परवरिश हुई है और एक साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूँ। जी जो बचपन में जैसे गरीबी थी हमारे जी और सामान्य गुजरा है बचपन एकदम से। तो माँ जी बाप भी काम करते थे और मैं भी करता था। सरकारी स्कूल से शिक्षा हुई है, पूरी जी 12th तक की हुई है। और इस दौरान बचपन में वो सब चीजें देखने को मिली कि जिसके लिए जरूरत होती है कि पीढ़ी में कोई आसपास नौकरी वाला नहीं है। इवन मतलब घर परिवार में कोई ग्रेजुएट भी नहीं था, पढ़े लिखे ही नहीं थे मतलब पिछली पीढ़ी में। अच्छा। तो और जो हम भाई बहन है उसमें मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। बड़े भैया है वो भी 12th तक पढ़े हुए हैं। तो मैं पहला ही ग्रेजुएट था। ग्रेजुएशन कहाँ की फिर आपने? ग्रेजुएशन मैंने सरकारी कॉलेज से ही की थी और 12th के बाद मेरी दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई थी कांस्टेबल के पद पे 2009 में। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा उसमें रहते हुए और नॉन कॉलेज के रूप में प्राइवेट रूप में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, ग्रेजुएशन की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2012 में। अच्छा, पोस्ट 2000 ग्रेजुएशन भी किया। हाँ जी, 2012 तक मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 2012 में ही मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इधर सोचना शुरू किया कि सिपाही में तो हमेशा रहना नहीं है और आगे की तैयारी करनी है मुझे। तो हालात से थोड़ा सा प्रेरित हुआ कि परिस्थितियों को बदलना है, नहीं ऐसे ही हालात रहेंगे हमेशा। तो फिर नहीं, यूपीएससी के बारे में आपके मन में ख्याल क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि आप जॉब जब लग जाती है किसी आदमी की, वो छोड़ देता है सब भी, तनख्वाह आ रही है, जीवन, शादी हो गई है, बच्चे हो जाएंगे, घर गृहस्थी चल रही है, फिर क्या करना है? ये मन में कैसे आया कि यूपीएससी का टेस्ट देना है? जब मैं दिल्ली पुलिस में लग गया तो मैंने देखे बड़े बड़े अफसर देखे, अपने आईपीएस देखे। तो उससे फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए क्योंकि तो मैंने देखा कि वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि वो छुट्टी कर सकते हैं और जनता में उनकी छवि ज्यादा होती है। कोई आता है फिर हमसे बात करता है, हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉन्स्टेबल है, हम पूछेंगे भाई क्या समस्या आपकी, तो वो कहेगा नहीं आपके अफसर को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। तो फिर क्या मुझे बात लगा ये सब की ज्यादा बड़ी इम्पोर्टेंस तो अफसर की है तो अफसर बनना चाहिए। और जैसे हालात थे पुराने की गरीबी से उठे हैं तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक गजेटेड पोस्ट तो मुझे चाहिए और वो सपना मैं पूरा करूंगा अपना। क्योंकि तो मुझे ऐसा भी लगता था अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो फिर मैं ये उम्मीद बच्चों से करने लग जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा मुझे बच्चों को आईएएस बनाना है। तो मैं सोच रहा था अभी मुझे खुद ही करना चाहिए, अपना सपना बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। तो इन सब चीजों ने मोटिवेट किया। जी, पहली पहली बार वैसे वैसे कैसे फिर शुरुआत कैसे हुई, सिलेबस कैसे पढ़ना शुरू किया? जॉब भी थी, शादी भी हो गई है, और सिलेबस भी बड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर कैसे इसे मैनेज किया, कैसे शुरुआत रही? शुरू में तो हिम्मत नहीं हुई, 2013 से मैंने सोचना शुरू किया। तो फिर स्टेट पीसीएस दिया, 2-3 साल वहां दिया, मेंस तक पहुंचा भी पर वो हो नहीं पाया। फिर 2015 से मेरे ऐसे हो गया कि अटेम्प्ट भी फिक्स है, एज भी फिक्स है, अब देना शुरू नहीं किया तो फिर होगा नहीं। तो 2015 में मैंने पहली बार अटेम्प्ट लिया और एक संस्था से कोचिंग भी की, पर ठीक से मुझे गाइडेंस मिली नहीं। तो वो लास्ट तक ही अभाव रहा गाइडेंस का, तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने कोचिंग भी की, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक से पता नहीं था। तो बहुत सारी किताबें पढ़ लेता था मैं, एक सब्जेक्ट पे कई किताब ले आया। तो वो बार बार मतलब पढ़ना ही तो बहुत सारी करी पर वो याद ही नहीं हो पाता क्योंकि वो चीज दोबारा तो आ ही नहीं पाती थी। तो 2015 का मेरा अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया।
कुछ मार्क्स से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ जी, समझ में नहीं आया करना क्या है। हाँ मतलब ठीक से समझ में नहीं आया कि किस दिशा में बढ़ना है, और कोई बताने वाला भी नहीं था। तो कोचिंग से जितना सा पता लगा थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा खुद से पता लगा, तो हर अटेम्प्ट के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सीखता गया कि क्या करना चाहिए। तो 16-17 दो अटेम्प्ट और ऐसे हो गए कि ड्यूटी थोड़ी हार्ड पड़ी, और एग्जाम के टाइम इधर उधर ड्यूटी लग गई तो वो कवर नहीं कर पाए, तो वो भी नहीं हो पाया। 18 में जाके मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, मुझे कुछ चीजें पता लगी कि करंट अफेयर्स में ये पढ़ना है, और एक किताब को ही बार बार पढ़ना है बजाय इसके कि अलग अलग किताबें पढ़े, अलग अलग किताबें पढ़ी जाए जी। फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया कि प्लानिंग बनाई पूरी किस तरीके। आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है जी, बोलिए जी। शुक्रिया। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई वापस से कि मुझे तीन चरणों में पढ़ाई करनी है, हर चीज को तीन बार पढ़ना है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगानी है, और करंट अफेयर्स के लिए मुझे विजन की मैगजीन वगैरह वो पता लग गई कि ये ठीक है और इससे काम हो जाता है, उससे पहले पता नहीं थी। तो 2018 में मेरा पहली बार प्री निकल गया यूपीएससी का, और मेंस की तैयारी की मैंने, पर थोड़ा हार्ड टाइम चला कि छुट्टी वगैरह की भी दिक्कत रही, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम भी ऐसे रही, और फिर अगेन वो कि प्री का तो मुझे पता लग गया पर मेंस का पता नहीं लगा, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई लिखने की, तो मेरे काफी सारे क्वेश्चन छूट गए, तो मेरा मेंस नहीं हो पाया। 27 मार्क्स से मेरे वो रिजल्ट, मतलब वांछित रिजल्ट नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। उसके बाद 19, 20, 21 तीन साल मैंने सी सेट की वजह से आगे मेंस नहीं दिया, क्योंकि प्री में दो पेपर होते हैं, एक सी सेट होता है एक जीएस का होता है। जीएस हर बार निकलता था पर सी सेट नहीं निकलता था, क्योंकि वो गणित मेरी थोड़ी सी कमजोर है, जितना मैं अपना लेवल ऊपर करता यूपीएससी अपना लेवल और थोड़ा ऊपर कर लेता। आपके आगे भाग रही थी। हाँ जी, हमेशा यूपीएससी का पीछा ही करना होता है, तो थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत रही। फिर 21 में ही फादर की डेथ हो गई, तो थोड़ा सा भी परेशान हो गया। अच्छा। फिर 22 में वापस से ओवरकम किया, काफी स्ट्रगल किया, अंदरूनी स्ट्रगल जिसको बोलते हैं वो ज्यादा किया कि ठीक है खुद में भरोसा बनाए रखना है, अभी अटेम्प्ट है और लास्ट तक जब तक अटेम्प्ट बाकी है मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जितनी कमियां मुझे नजर आती है मैं सबको दूर करूंगा अपनी को, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मान लूंगा कि मैंने कोशिश अच्छी की है। तो 8वीं बार दिया फिर जी, फिर 8वीं बार दिया 2022 में, और फिर से स्ट्रेटजी बनाई, थोड़ा लक का भी साथ रहा कि डिपार्टमेंट से छुट्टियां मिल गई मुझे, जितनी मुझे चाहिए थी प्री के लिए मिल गई, मैंने जम के तैयारी करी, 15-16 घंटे आराम से दिल्ली में ही रह के पढ़ाई करी, घर भी नहीं गया। रामभजन जी, मुश्किलें क्या आई फिर? मुश्किलें तो जी देखो, एक तो पुलिस की नौकरी है, 8 घंटे हाँ। ड्यूटी है तो वो तो करनी है, उसके बाद थकान हो जाती है, तो 5-6 घंटे मिलते हैं उसको कवर करना है कि हम थके नहीं, और फिर जैसे घर पे भी टाइम देना होता है, दोस्त भी होते हैं, और तो उन सबको मैनेज करने की बड़ी मुश्किल थी, और डिपार्टमेंट की है, फिर फैमिली की है, कुछ ना कुछ होता रहता है तो वो भी मैनेज करना होता है, तो इन सब के लिए हेल्प ली मैंने वाइफ की। मजाक के बहुत लोगों ने मजाक किया होगा, छोड़ दो ये कौन से तुम रास्ते पड़ गए, वो तो सर नाम ही रख देते हैं, कोई तैयारी कर रहा है आईएएस की तो उसका नाम ही आईएएस रख देंगे, बोलने वाले बोलते रहते हैं पर वो देखते हैं कि आपके बोलते थे कि ये आईएएस कांस्टेबल है, ऐसे तो किसी ने बोला नहीं, सामने नहीं बोलते थे पर ऐसे जरूर बोलते थे कि अब प्री भी नहीं निकला तो क्या ही करेंगे, कि ड्रामे करते हैं पढ़ने के, पढ़ाई तो क्या ही करनी है, ऐसे बोलते थे, तो मेरे सामने बोलता मैं उनको बोलता कि आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे ना, आपका दिमाग खर्च हो रहा, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा तो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती, तो आप ना ही बोले तो ठीक है। आप अब क्या महसूस करते हैं कि एग्जाम की डिमांड क्या थी, आप क्या कर रहे थे? हाँ जी, 2018 से पहले तक मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम की डिमांड होती है कि आप जो बेसिक पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ लो, और जितना सिलेबस यूपीएससी ने दिया है वो बिना काट छाट करे पढ़ लो, क्योंकि वो कभी भी किसी भी सिलेबस के पार्ट से उसको आगे कर सकते हैं, बाकियों को पीछे कर सकते हैं। मतलब यूपीएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस है, समंदर है। हाँ जी, पहले से पता नहीं लगा सकते कि वो किस तरीके से बदल जाएगा, तो अपने आप को ऐसे ही हमारी ड्यूटी के दौरान क्या आ जाए, अनएक्सपेक्टेड परेशानी आ जाए, डील करना है, इसके लिए तैयार करने का ही एक तरीका है। तो मैं इसी तरीके से लोगों को तैयार होने के लिए कहूंगा कि आप सिलेबस को पूरा पढ़ो, ये सोच लो कहीं से भी पूछे मैं तैयार रहूंगा,
कभी भी 100% तो कट ऑफ जाती नहीं है, वो इतना मार्जिन रखते हैं, वो ऐसे ही रखते हैं कि जो सुलझा हुआ बंदा है जिसने सही से पढ़ लिया और एक समझ विकसित हो गई तो वो इस पेपर को कर ले। तो जनरल स्टडी है और वो इसी तरीके से पूछते हैं। तो जो एग्जाम है वो पूरा 3 चरणों में है, 3 चरणों के लिए अलग अलग रणनीति बनानी होती है। प्री है जो आपकी मूवी रणनीति क्या रही वैसे? वैसे आपकी रणनीति तीनों एग्जाम्स के लिए क्या रही? जी, शुरू में मैं प्री के लिए फोकस करता था और जो मेरा ऑप्शनल है, एक ऑप्शनल होता है मेंस में, ऑप्शनल और एथिक्स का एक पेपर होता है, तो इन पेपर को पहले ही तैयार कर लेता था। उसके बाद जैसे दिसंबर आ गया, मतलब लगभग प्री से पहले 4-5 महीने बचे हैं, तो फिर प्री की तैयारी स्टार्ट कर देता था क्योंकि मेरे पास समय कम होता था, तो पहले से ही तैयारी करनी होती थी। और हर बार ये कि 3 बार सिलेबस को कंप्लीट करना है, इतना टाइम ले लो, 3 बार कंप्लीट होने के बाद फिर टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, वो आपकी कंडीशनिंग करती है एग्जाम के लिए। जो एग्जाम के दौरान उतार चढ़ाव आते हैं, एकदम से कौन से क्वेश्चन आ गए, फिर सरल आ गया, फिर कठिन आ गया, अनजान क्वेश्चन आ गया, तो उनसे कैसे निपटते हैं, इसकी कंडीशनिंग टेस्ट सीरीज के द्वारा हो जाती है। तो आपकी जो तैयारी है उसमें लगभग 20-30% इजाफा हो जाता है टेस्ट सीरीज की वजह से। तो ये टेस्ट सीरीज देने के बाद ये प्री की रणनीति होती थी, साथ में सी सेट को भी पढ़ना है क्योंकि मेरे कमजोर कड़ी थी। उसके बाद जैसे ही वो एग्जाम हो गया तो तीन पेपर पहले से तैयार होते हैं, ऑप्शनल हो गया और एथिक्स हो गया, फिर जो बचे हुए पेपर हैं उनकी जम के तैयारी करो 3 महीने जो मिलते हैं, और टेस्ट सीरीज लिखो जितना ज्यादा लिख सकते हो, क्योंकि मेंस में खेल है कि क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन छूट गए थे मेरे 2018 में, इसलिए मैंने जम के प्रयास किया इस बार। लगभग 2000 पेज लिखे मैंने, 40 टेस्ट लिखे, 2000 पेज जी। तो उस लेवल की स्पीड मैंने गेन कर ली कि मेंस में मेरे क्वेश्चन नहीं छूटे, और क्वेश्चन नहीं छूटे इसीलिए मैं यहाँ हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पत्नी ने कभी बोला कि जॉब भी है, सब कुछ है, यही दिन है हंसने खेलने के, और आप मेरे वाला टाइम भी एग्जाम को दे रहे हो? नहीं, और यहाँ पे मैं बड़ा लक्की था कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। इवन मैं कभी, जैसे 2021 की बताई फादर की डेथ के बाद, मुझे लगा कि यार अब क्या ही बचेगा, मैं बन भी जाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा, ऐसे लग रहा था। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, आपने इतना सारा किया है, अगर अब आप यहाँ से बंद कर दोगे, छोड़ दोगे, तो हमेशा कोसोगे खुद को और एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाओगे, और खुश तो बिल्कुल नहीं रहोगे। जब आप ही खुश नहीं रहोगे तो मैं कैसे रह सकती हूँ? तो आप कैरी करो पूरा, जब तक आपका मन कर रहा है, आप पूरी मेहनत से और प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश करो। क्या बात है। आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हो? किसके हौसले, किसकी मोटिवेशन से आपके अंदर ये ड्राइविंग फोर्स रही जो आपको यहाँ तक लेके आई? सर, यूपीएससी में तो फिरोज आलम सर थे, कॉन्स्टेबल से बने थे एसीपी, वो है। और वैसे मेरा रोल मॉडल बचपन से ही मेरी माँ ही रही है। उन्होंने बचपन से ही खूब मेहनत की है, दिन में भी रात में भी, और मैंने अपनी आंखों से देखा, उनसे ही मेहनत करना सीखा है। तो उन्होंने, उनको देख के मुझे लगता है कभी हार नहीं माननी है, मेहनत करते जाना है, करते जाना है। और मतलब मेहनत करने के बाद भी ऐसा याद नहीं रहता कि मैंने कुछ खास किया है, अभी भी नहीं लगता कि कुछ खास किया है। तो ये सब मैंने मेरी माँ से सीखा है। जब रिजल्ट आया तो आप कहाँ थे, घर वाले कहाँ थे, और कैसा फील हुआ जब लिस्ट में आपका नाम अक्सर आखिर आ ही गया 8वें बार? जी, मैं घर पे ही था तब, क्योंकि अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था। मैं घर पे रह के छुट्टी लेके 90वें अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था कि नहीं होगा तो फिर इसमें दूंगा। तो उस दौरान फिर मैं अपने भाई के पास बैठा हुआ था, तब फिरोज आलम सर का फोन आया था, उन्होंने बताया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी 667 रैंक आ गई। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मतलब सच लगा ही नहीं, और थोड़ी देर नहीं, कम से कम 5-7 दिन तक मैं लोगों को रिप्लाई तो करता रहा, पर मुझे फील नहीं हुआ कि मैं सच में ही बन गया ऐसा। मतलब एकदम से कितनी सारी कल्पनाएं की थी कि ऐसे बन जाएंगे, और एकदम से सच हो गई, तो कई दिन तक तो यकीन हुआ ही नहीं। गांव में जब मैसेज गया तो कैसा माहौल था? गांव वाले बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे आसपास से कोई है नहीं ऐसे, तो गांव का नाम रोशन कर दिया ऐसे, बोले लोग घर पे बधाइयां देने आए और स्वागत भी किया मेरे साथ, मतलब मेरे सहित सब घर वालों का स्वागत किया। गांव वाले बहुत खुश हुए, अभी भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी तरफ से, हमारे गांव से पहला आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे गया। क्या बात है। आप कैसा फील करते हैं, वो जो बोलते हैं पीठ पीछे के नाम रखते थे, ऐसा बोलते थे, जब रिजल्ट आ गया बन गए हो, तो वो बोलते हैं ना कि
चढ़ते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, सलाम होने लग गया। सलाम होता है, और उन लोगों के साथ सबसे बुरा सलूक ये हुआ कि मुझे याद भी नहीं है उन्होंने क्या कहा था। क्या बात है, तो ये उनके साथ सबसे बुरा हुआ है, और सच में मुझे याद नहीं है कि किसने मुझे क्या कहा था, पर मुझे सिर्फ ये याद है कि मैंने एक संघर्ष किया, कुछ सोचा और वो मुझे मिल गया। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि सचमुच में, मतलब वो एक जीवन जो जैसे कॉन्स्टेबल में रहते हुए मैं जी रहा था, एकदम से ही चेंज हो गया। और ये मतलब इमेजिनेशन से परे हैं, जो लाइफ मुझे मिल गई, मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाए और हो गया, और वो इसी जन्म में हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। रामभद्र जी। एक एक बात ये भी है कि दिल्ली पुलिस में आने के बाद आपने जो गांव से शिफ्ट किया, दिल्ली पुलिस में आ गए, वहां से आपने क्या सीखा और कौन सी चीजें अडॉप्ट की जो गांव में नहीं सीख पाए थे, कौन सी चीजें आप में नहीं आई जिसने आपको मोटिवेट करके इधर इधर लेके आए? एक तो गांव में ज्यादा पता नहीं होता कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, आसपास जी ऐसे लोग नहीं होते, आप अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन रहती है, दो चार जी लोग हैं उन्हीं में से एक आप खास बन गए, तो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। जैसे दिल्ली में आए, बड़ा महानगर है, तो लोगों में प्रतिभाएं देखी, यहाँ तक कि अभी मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोग एक से एक प्रतिभाशाली है, उनको देख के फिर अपने अंदर से नई नई चीजें बाहर आती है। और दूसरा अवेयरनेस है, बोलने की भी शैली आ गई कि हम एक तो हिचकिचाते हैं, गांव में रहते हैं, किसी से बात करें लोग सामने से बात नहीं करेंगे, डिमोटिवेट कर देंगे, तो बोलेंगे नहीं। यहाँ पीयर ग्रुप जी मिल जाता है, तैयारी करने वाले मिल जाते हैं साथ में, तो वो सब चीजें काफी बढ़िया रही। और दूसरा फिर पुलिस में है, तो काफी सारी नॉलेज तो लोगों से बात करके ही मिल गई। कंप्लेनेंट आते हैं, बात करते हैं, वो अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, हमारा सिलेबस है वो भी अलग अलग तरीके का है, तो उनसे बात कर जी करके ही सीख सकते हैं। वो बोलते हैं कि यू शुड गेन नॉलेज फ्रॉम अदर्स नॉलेज, तो दूसरों से बात कर करके भी काफी मिला। और फिर हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको देख के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो इंटरव्यू के लिए डेवलप करनी है, उन सब में मदद मिली। किसी ऑफिसर ने कभी हेल्प किया, कभी किसी ने गाइड किया? सर लगभग सभी हेल्प करते थे, और ये छुट्टी वाला मामला है, मुझे छुट्टी में ही हेल्प चाहिए थी कि आप तो सिर्फ छुट्टी कर दो मेरी और तो मैं सब देख लूंगा, तो छुट्टी देने के लिए ही मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, ऑफिसर्स का, जो और हर जगह कोऑपरेशन मिला मुझे। दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है, नहीं इसीलिए चलो, दिल्ली जहां पुलिस से दो सिपाही बन गए, और ये मतलब पहली पुलिस है, और जगह ऐसा ऐसे ऐसा इतिहास नहीं है, तो कुछ तो क्या खास बात बात है। है। आप में कौन सी अच्छी बातें थी जो आपको लगता है कि आपको यहाँ तक ले? हर आदमी में कोई अच्छी क्वालिटीज होती हैं। यहाँ आप जब आप पास हो गए हो, अफसर बन गए हो, तो आदमी सोचता है यार मेरे में ये अच्छी बात थी, मैं लगातार स्टडी कर रहा था, हौसला रखा, कौन सी अच्छी बात थी? ये हार्ड वर्किंग और सेल्फ मोटिवेशन है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा, और सेल्फ मोटिवेटेड रहता था, किसी से ऐसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, या कोई मुझे ऐसा बोलने वाला नहीं था, था भी नहीं, और किसी ने बोला भी नहीं कि आप पढ़ लो ये हो जाएगा, निराश मत हो, क्योंकि निराश होने का समय ही नहीं होता था, थोड़ा सा ही टाइम मिलता था, अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट आया, नहीं हुआ, मात्र एक या दो दिन निराश हुए, उसके बाद पता है कि अब ज्यादा निराश रहेंगे तो आगे फिर से यही हिस्ट्री दोहराई जाएगी, तो फिर 2 दिन बाद से अपना वापस टाइम टेबल बनाया और तैयारी शुरू कर दी। तो किताबों को पढ़ने में मजा आता था, तो सबसे अच्छी बात यही है कि मैं दृढ़ता से अपना डटा रहता था बिना किसी चीज से प्रभावित हुए। हाँ जी, और माँ से मिले फिर? जी, माँ से जरूर मिला, माँ से हर 15 दिन में भी मिलता था, पर जैसे रिजल्ट आ गया उसके बाद मैं 3 महीने घर ही रहा था, सबसे मिला, उनकी आंखों में खुशी देखी, और उन लोगों ने मतलब तो ऐसा भी लगने लग गया था माँ को कि ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो कहीं ऐसा नहीं हो कोई कुछ कर दे, लड़का बहुत वैसा हो गया, तो मतलब उनकी उनकी कल्पना से परे था, मेरे ही ऐसा है, तो उनके लिए तो जब मैं सिपाही बन गया था तब भी उनके लिए तो ऐसा लगा था कि जैसे कलेक्टर ही बन गया हो, क्योंकि नौकरी में कोई था ही नहीं परिवार में, तो अब ये इसके बाद तो मतलब आप समझ सकते हो खुशी का अंदाजा नहीं होता। आपके आपके गांव में क्या चेंज आया आपके बनने के बाद, कि लड़के सोचने लगे, लड़कियां सोचने लगी, जो नौजवान पीढ़ी है वहां की, वो सोचने लगी है यार राम भजन भी बन सकता तो हम क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, वो मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो मैं आपके जो पिताजी हैं उनकी पीढ़ी का हूँ, अब जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं नए, तो वो लगभग 18-19 साल के हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आपके जो पापा हैं उनकी पीढ़ी में मैं सबसे छोटा होगा, तो सोचो जब मैं एक पीढ़ी आगे होके कर सकता हूँ आप तो क्या ही कर सकते हो। तो आप लगभग जो युवा है गाँव के और जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनका तो मैं रोल मॉडल ही हूँ,
और मैं हेल्प भी करता हूँ उन लोगों की, इधर उधर से भी हेल्प करवाता हूँ जहां से जो भी संभव है कि और आदमी निकले यहाँ से। यूपीएससी की हिस्ट्री में आप दूसरे कांस्टेबल हैं जिन्होंने यूपीएससी का टेस्ट पास किया है, जी दिल्ली पुलिस से दूसरा, और वैसे दिल्ली तीसरे पुलिस। हैं, पर वैसे तीसरा हूं, पर विजय सिंह गुर्जर आईपीएस बने थे, वो दिल्ली पुलिस में सिपाही थे पहले, फिर वो एसएससी में चले गए, वहां से बने, इसलिए ऐसे दो सिपाही गिनते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, दिल्ली में बहुत लोग तैयारी करने जाते हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा गिनती में लोग तैयारी करते हैं, उन्हें देखकर आपने लगा नहीं कि यार इतने लोग पढ़ रहे हैं, मेरा नंबर कहाँ से आएगा, मैं पढ़ पाऊंगा, इन लोगों को क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं, ये आपने कैसे फेस किया? एक तो सर उनका उनसे संपर्क हुआ मेरा कोचिंग के दौरान, तो जब कोचिंग किया तो शुरू में तो ऐसा लगा यार कितने तेज तर्रार आदमी है, कितना दिमाग वाले हैं, इनको ये भी आता है वो भी आता है, पर हाँ फिर धीरे धीरे ऐसे टेस्ट वगैरह लगे तो फिर मैंने भी उनमें अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे लगा ठीक है यार सब में कुछ ना कुछ खास होता है, मेरे में भी है। और फिर ज्यादा तो ये रहा कि मुझे टाइम नहीं लगा 2015 में कोचिंग के जी बाद, मैं खुद खुद से ही पढ़ता रहता था अपना जी और अपनी कमियों पे फोकस करता था कि ये चीजें हैं ये मुझे रोक रही है ये टेस्ट पास करने से, तो इनको ठीक करूंगा मैं और कर लूंगा, तो ज्यादा मेरा वास्ता पड़ा नहीं उन लोगों से, बस कभी बुक लेने जाता तब देखता था तो थोड़ी देर के लिए लगता था यार ये बहुत तेज इतना इंटेलिजेंट आदमी है, फिर अपने आप को समझाता ठीक है कोई बात नहीं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो कोई कम इंटेलिजेंट हो, हमें तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और इतना तो है, तो इससे कॉन्फिडेंस होता था, हीन भावना हमारे मतलब कभी आती जी नहीं थी। जी मैं भी एक गांव से हूँ, गांव वालों को हमें लगता है कि यार इंग्लिश जो अच्छी बोलते हैं, जो इंग्लिश अच्छी झाड़ते हैं, जो इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं, वो उन्हीं का काम है ये। आपके मन में भी ऐसा आया कभी? उस टाइम नहीं आया, थोड़ा बस इंग्लिश का पेपर होता है वो क्लियर हो जाता है, और यहाँ पे इस बार लगभग 50 लोग हिंदी के हैं यहाँ पे जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ये अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है कि हिंदी वाले यहाँ आए, तो बाधा तो नहीं है, पर बस आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अंग्रेजी का मतलब ऐसा बोलने वाली अंग्रेजी है तो बाद में सीख लेना, कभी भी सीख सकते हैं, एक बार यूपीएससी क्लियर कर लिया यहाँ आ गए तो फिर सारी पढ़ाई तो बंद हो गई, फिर आराम से जो भी सीखना है सीख आपने लो। हिंदी में दिया पूरा एग्जाम? हाँ जी हाँ जी, हिंदी में दिया, और कुछ कंटेंट अगर अंग्रेजी में मिल रहा है तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, मैंने मेंस की तैयारी के दौरान कुछ चीजें अंग्रेजी में पढ़ी थी पर मैंने लिखा हिंदी में, और ठीक है ऐसा कि अंग्रेजी नॉर्मल आती है तो बाधा नहीं है अंग्रेजी की आपको रोक देगी, वो पेपर है थोड़ा सा 7-8 दिन पढ़ोगे तो हो जाता है, उसके बाद आदमी आखिरी खुद स्कोप जी से ही सीख लेता है, गांव वाला हो चाहे कहीं का भी हो, आगे जैसे प्रशासन में आता है तो उसको खुद को ही जरूरत महसूस होती है कि अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, हाँ, बाद में भाषा आके भी एक वो सीखी जा सकती है, बहुत बड़ी हाँ बात नहीं। वो बाद में खुद से भी सीख लेता है, तो ऐसा हवा बनाना ठीक नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, जब आप बन गए हो, अब सब कुछ हो गया है, सफल हो गए हो, नेक्स्ट गोल भी है कुछ? नेक्स्ट गोल ये है कि जहां भी रहूंगा अच्छे से काम करूंगा और मतलब समाज के लिए एक एसेट बन के रहूं, संसाधन बन के रहूं जिससे समाज में कुछ सकारात्मक संदेश जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा अपने काम को तन मन से समर्पित होके करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम दिया, काफ़ी लंबा टाइम आपने बात की, आपसे बात करके कुछ कुछ लोग आपको देख के सुन के मोटिवेट होंगे, बच्चे कोई भी अपनी जीवन का या टर्निंग पॉइंट ले सकता है, क्या पता कहाँ पे सुन के आपको देख कर भी मोटिवेट हो जाए, वो आपकी तरह अफसर बन जाए जी टाइम अगर देने के एक लिए। एक एक भी जी आदमी ऐसा हो गया जो इस वीडियो को देख के कुछ भी जीवन में अच्छा कर पाया या जी निराश हो रहा हो और उसको मोटिवेशन मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और ये सही मतलब मेरी जो सफलता है तभी सार्थक होगी अगर सचमुच में कोई आदमी ऐसा महसूस करता है। टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।